अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद आसिफ हूँ और हाजिर खिदमत हूँ एक नई वीडियो के साथ। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। अज़ीज़ तुलबा, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1431 कोड 5403 कोड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का गेस्ट पेपर जो मैंने दिया था। आप लोगों को चंद क्वेश्चंस दिए थे 10 से 12 लॉन्ग, उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा दूसरा क्वेश्चन है और दूसरे क्वेश्चन का नाम क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी विद एग्जांपल्स। तो यहाँ पे मैं जस्ट 2 एग्जांपल्स बता रहा हूँ, आपके माइंड में इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, आप उनको देख सकती हैं। आपके माइंड में जो भी आ रहा हो आपने उस लाजमी लिख लेना है, याद रखना है। यहाँ पर मैं आपके लिए एक ये टिप ज़रूर बताऊँगा कि आपने ये इम्पोर्टेंस तो याद करनी है, लेकिन इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन अपलोड किया ना, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आईसीटी, तो वहाँ पे जो आपने पोर्शन याद किया था ना एडवांटेजेस का, तो वो एडवांटेज जो आपने याद किए थे उन्हीं को आप यहाँ पे इम्पोर्टेंस में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है? तो वो भी आपके लिए इजी हो गया। और यहाँ पे कुछ मैंने 2 बताए हैं, वो भी आप लोगों ने डिस्कस याद कर लेने हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी का सबसे पहला, मैंने एजुकेशन में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि आपको पता है आप जो भी सीख रहे हैं ना ऑनलाइन सिस्टम में ज़्यादा सीख रहे हैं। आज के दौर में जो स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा सीख रहा है ना वो ऑनलाइन सिस्टम में सीख रहे हैं। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ अब जो है ना वो ऑनलाइन की तरफ जा रही हैं, अपना काम जो है ना वो ऑनलाइन करवा रही हैं। तो ये ऑनलाइन सिस्टम हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है। सबसे ज़्यादा जो अहमियत है वो यही है हमारे लिए कि हम कोई भी नॉलेज लेना चाहते हैं किसी सब्जेक्ट के हवाले से, हम इजीली उस ले सकते हैं, उसको कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले एजुकेशन के हवाले से सपोर्ट एंड हेल्प, हमें एजुकेशन के तालीम के मैदान में हमें हर तरह की हेल्प मिलती है आईसीटी की वजह से, ठीक है? उसके बाद इनहेंस द डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको पता है कि दिन ब दिन जो ना हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो बढ़ती जा रही है, हमारे लिए भी आसानी है कि हम इंफॉर्मेशन को आसानी से डिलीवर कर सकते हैं दूसरे लोगों तक। तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया है इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा भेजना, ये हमारे लिए आसान होता जा रहा है। और वो किस वजह से होता जा रहा है, आईसीटी की वजह से। तीसरे नंबर पर बात आती है टेक्नोलॉजी की। आपको पता है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है एजुकेशन के मैदान में बहुत ज़्यादा तरक्की आ रही है, बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन इसमें आ रही है। देखिए छोटे से छोटे लेवल पर एजुकेशन को आगे दिखा रहे हैं, फन के साथ दिखा रहे हैं और स्टूडेंट्स ईजिली उसको पिक कर रहे हैं। तो ये आईसीटी की वजह से है कि स्टूडेंट्स जो ना वो आज के दौर में इजी लर्निंग ले सकते हैं, इजी लर्निंग है उनके लिए, ठीक है? तो उसके बाद दूसरी आगे जो है वो है फ़न। टेक्नोलॉजी के मैदान में हर टीचर का अपना एक फ़न है, वो एक्सपेरिमेंटली भी आपको नॉलेज दे रहा है और दूसरा थ्योरेटिकली भी आपको नॉलेज दे रहा है, ठीक है? तो ये उनका अपना फ़न है, डिफरेंट वे से अपने नॉलेज को वो कन्वे कर रहे हैं आप लोगों तक। अब आप लोगों की मर्ज़ी है कौन सा नॉलेज आपको अच्छा लगता है, कौन सा मेथड अच्छा लगता है, कौन सा फ़न आपको अच्छा लगता है, वो आपकी अपनी मनपसंद है, ठीक है? उसके बाद आता है इम्प्रूव इंगेजमेंट। आपको पता है अगर मैं आपको टीच कर रहा हूँ, आप कहीं भी बैठे हुए हैं, अगर आपको मेरा मेथड पसंद है तो आप वहाँ पर लर्निंग करेंगे, आपको वो लेक्चर सुनेंगे और आपको पसंद भी आएंगे। तो ये क्या है, ये हमारे पास आ गया है इंगेजमेंट के हवाले से, इम्प्रूव इंगेजमेंट। हम एक दूसरे के इश्तराक से एक दूसरे का बाहम इश्तराक बढ़ा सकते हैं, ठीक है? दूसरे एक स्टूडेंट जो ना वो घर बैठ के इजीली उसको लर्न कर सकता है। तो उसके बाद आती है बात बेटर टीचिंग मेथड। यूट्यूब पे, गूगल पे, किसी भी ब्राउज़र पे जाएं, आपको हर तरह के टीचिंग के मेथड मिलेंगे, आप किसी भी तरीके से उसको गेन कर सकते हैं, ठीक है? आप जो टीचिंग का मेथड आपको अच्छा लगेगा उसी तरीके से हर तरह का आपको मेथड मिलेगा, जो पसंद आएगा उसी मेथड से आप उसको हल कर लेंगे, उसी मेथड से आप अपना नॉलेज गेन करेंगे। तो ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटर टीचिंग मेथड। आपको यूट्यूब पे, गूगल पे हर तरह का मेथड मिलेगा, ठीक है? तो जो आपके लिए बेटर होगा वो आप उसको चूज़ कर लेंगे। पढ़ाने का जो बेहतरीन तरीका कार है वो आपके लिए हर जगह पर मौजूद है। सब्जेक्ट लर्निंग, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, ठीक है? आपको कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट है आप उसको इजीली कवर कर सकते हैं, इजीली उसको लर्न कर सकते हैं बाय आईसीटी। ये तो कुछ टिप्स थी जो मेरे माइंड में आ रही थी कि आप एजुकेशन के मैदान में, एजुकेशन में इन पॉइंट्स की मदद से आप इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक पॉइंट की मदद से आप इसको 3-4 लाइनों मज़ीद
इसकी मदद से लिख सकते हैं। तो ये मैंने चंद पॉइंट्स लिखे हैं, आगे इसको एक्सप्लेन करना आप लोगों का काम है, ठीक है। तो वो कैसे करना है, आगे बात आती है सोसाइटी की, ठीक है। तो सोसाइटी के हवाले से आपके माइंड में पता हो कि टेक्नोलॉजी की वजह से हम सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपके माइंड में सोच आनी चाहिए, ठीक है। हमारे सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जो आपके माइंड में आए वो आपने लिख देना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम आज के दौर में एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं, ठीक है। एक दूसरे के पास बैठना आज के दौर में बहुत मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहली बात आती है कम्युनिकेट, कम्युनिकेट, और यही सबसे बड़ा काम है सोसाइटी में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से दूर रहते हुए भी आप एक दूसरे के पास पास होते हैं। आप ऑनलाइन भी एक दूसरे के साथ वीडियो में भी बात कर लेते हैं, ऑडियो में भी और टेक्स्ट फॉर्म में भी। तो वो क्या है, वो आप एक पूरी सोसाइटी के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको आप एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं और उसका सोल्यूशन भी ईजिली ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप आगे मज़ीद अपने वे से इसको बढ़ा सकते हैं। तो कम्युनिकेशन है वो मैंने बता दिया कि आप एक दूसरे से दूर रहते हुए भी आप कम्युनिकेट करते हैं और अपनी सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इंटरेक्शन विद गवर्नमेंट एजेंसीज, अब आपकी सोसाइटी में एक प्रॉब्लम आ गई है, आप एक दूसरे से डिस्कस कर लेते हैं, तो अगली बात आपके जहन में आती है कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप गवर्नमेंट एजेंसी से बात करेंगे, और वो कैसे करेंगे, आप उनकी वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर आपके पास बहुत से ईमेल भी मिलेगा आप लोगों को, साथ में कॉन्टैक्ट फॉर्म भी मिलेगा, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आप लोगों को सॉल्व करने के, तो वो आपकी बात सुनेंगे, ठीक है। तो ये भी हो गया, उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को इस थोड़े बहुत आइडिया का पता चल गया होगा कि आप इस इम्पोर्टेंस को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस को कैसे बयान कर सकते हैं। आपके माइंड में चंद पॉइंट्स होने चाहिए, वो पॉइंट्स अपने माइंड में याद रखें, आप उसको आगे अपनी वर्डिंग में लिख लें। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको इसमें थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।